नमस्कार फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी ना मॉर्निंग का टाइम है और बच्चों को जस्ट मैं बस तक छोड़ के आई हूँ, स्कूल बस तक। तो जैसा कि सुबह उठने के मात्र आपको सारा घर जो है घर बिखरा हुआ दिखेगा। और अभी गर्मियाँ आ चुकी है तो ना सुबह सुबह ही पोछा वगैरह कर लेने में, क्लीनिंग कर लेने में अच्छा होता है। मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं सुबह ही अभी कर लूँ समर टाइम में। वैसे जब हस्बैंड छुट्टी में रहते हैं तो नहीं कर पाती हूँ, मतलब नाइट ड्यूटी नहीं, मॉर्निंग में अगर घर पर रहे तो नहीं कर पाती हूँ। मगर नाइट ड्यूटी में रहे ना तो स्कूल जब बच्चे चले जाते हैं तो घर खाली हो जाता है, तो मैं सारा क्लीनिंग जो है इसी टाइम पर कर लेना समझदारी समझती हूँ। तो आज दिन बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी सुबह थी, मतलब मैं आज ठीक हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत ना हमेशा गड़बड़ ही रहती है। तो देखिए टेडी जो है ना नीचे बच्चों क्या एंजल ने फेंक रखी है, तो आजकल ये यहीं सोती है अकेले। दोनों भाई बहन अब अकेले अकेले सोते हैं। तो मैं अपना बेडरूम ठीक करके और फिर जो है मैं एंजल का बेडरूम ठीक कर रही हूँ, मतलब अभी जो है ठीक कर रही हूँ इसका बेड। तो ये जो है ना रात को दोनों टेडी को नीचे फेंक दी थी और बड़े वाले टेडी को जो है वो लेके सोई थी। तो ऐसा ही बच्चे करते हैं। बने रहिएगा, फुलवर जोड़ करके जाइएगा और कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। सॉरी मैं रोज़ ब्लॉग नहीं डाल पाती हूँ, आप लोग समझ सकते हैं जो हाउस वाइफ होंगे, जो जिसके घर में बच्चे होंगे, बहुत ज़्यादा काम रहता है। तो सारा काम मैनेज करके जब सकती हूँ तब जो है मैं आपके साथ ब्लॉग ज़रूर शेयर करती हूँ, शूट करती हूँ। तो आज ना मैं हस्बैंड नहीं है, नाइट ड्यूटी में है, तो मैं आज शुरू हो गई हूँ सुबह सुबह। सुबह बच्चों को आलू पराठा बना के दिया था और खाने में बहुत कुछ बनाना है। वैसे सब्जी घर में है नहीं, बागान में बैगन वगैरह निकलेगा तो मैं, मतलब किचन गार्डन में बैगन वैगन मिलेगा, अगर निकलेगा तो उसे तोड़ के लाऊँगी और देखती हूँ क्या होता है। जो भी फ्रेंड्स नए होंगे चैनल पर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप लोग सपोर्ट करो मुझे ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आगे भी ब्लॉग बनाने के लिए। तो ये है हॉल, यानी मेरे बेटे का बेडरूम। हॉल ही है मगर अभी बेडरूम बस एक है मेरे घर में जो कि हम लोगों का है। तो बच्चे हैं तो अभी हॉल में ही सो जाते हैं। तो इतना बड़ा घर है तो अकेले क्लीनिंग करने में, पूरा घर समेटने में काफ़ी टाइम लगता है। मैं जो है इन लोगों को 6:35 में स्कूल से छोड़ के आई थी और आते मात्र जो है मैंने अपना काम जो है शुरू कर दिया है। तो देखते हैं कब तक निपटता है। और यहाँ ये जो है ना अभिनव का बेडरूम है तो इसको भी मैं अपना बेडशीट उतार के रोज़ झाड़ू चाहे ना झाड़ू, इसका दिन भर में दो बार ज़रूर हो जाता है। क्योंकि ना ये पूरा बेड पर क्या करता है पता नहीं, पूरा बेड शीट इधर से उधर कर ही देता है। तो बस इसका बेडरूम क्लीन करके, और आजकल जो है ना पोछा नहीं लगाओ रोज़ तो घर में ना गर्मी गर्मी फील होती है। मैंने सुना था कि टाइल्स वाले घर में जो है ना गर्मी नहीं लगती, मगर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि टाइल्स लगने के बाद भी गर्मी सीज़न है तो टाइल्स भी गर्म गर्म फील होता है, और ठंडा जब सीज़न रहता है तो टाइल्स भी ठंडा रहता है, बस यही है।
तो बस अब जो है बची हुई झाड़ू, और जल्दी जल्दी झाड़ू करके मैं लगाऊंगी पोछा, ताकि जो है अच्छा सा फील हो। और खाना जो है ब्रेकफास्ट ऑलमोस्ट बच्चों को देने के बाद थोड़ा मोड़ा उनके लिए बनाना है, तो मेरा काम जो है ना खाना आज कम ही बनाना है। और गर्मियाँ में ऐसी होती है ना कि आप ज़्यादा खाना खा भी नहीं पाते हो, ठंडा में होता है जो ठंड में भूख भी बहुत लगती है, और आदमी जो है खा भी लेता है एक्स्ट्रा थोड़ा, और डाइजेस्ट भी अच्छे से हो जाता है। मगर गर्मी में जो है थोड़ा सोच समझ के खाना भी रहना पड़ता है, और भूख भी जो है कम लगती है। और ये जो है ब्रांडा, तो ब्रांडे में अब मेरा लास्ट झाड़ू है, और हिबिस्कस के सारे पत्ते जो है झड़ गए हैं, यानी गुड़हल का जो फूल है ना उसका सारा पत्ता झड़ गया है, क्योंकि इसमें नए पत्ते आ रहे हैं और दिन भर झड़ता ही रहता है। अभी झाड़ू कर रही हूँ, फिर शाम को झाड़ू करूँगी, तो ये सब चलता रहता है फ्रेंड्स। तो बस जब ये आएंगे तो पूरा घर जो है साफ़ सुथरा मिलेगा, तो उनको भी अच्छा फील होता है नाइट ड्यूटी के बाद। और इतने बड़ा घर में जो है ना अकेले काम करो और अकेले मेहनत करो, तो इतने बड़े घर की मैं जो नौकरानी हूँ। तो फ्रेंड्स सारा काम जो है निपट गया है, झाड़ू पोछा वगैरह हो गया, मैंने सारा जो नीचे का पाँवदानी होता है ना वो मैंने डाल दिए हैं, और यहाँ मैं अब बैठ गई हूँ थक हार के, और जो है गपा गप पानी मार रही हूँ। मेरी आदत है मैं जब भी थोड़ा थक जाती हूँ तो पानी पीती हूँ। और ये मैं आ गई हूँ किचन गार्डन में, बहुत सारे जो है फूल खिले थे, तो देखिए कितना अच्छा लग रहा था ना फूल। और ये जो है मेरे बैगन सारे, वैसे मैं गई थी तो मुझे लगा था 2-4 बैगन निकलेंगे, मगर काफ़ी निकला था और एक दिन भी निकलेगा। तो देखिए यहाँ 6-7 बैगन जो है मेरे आ गए हैं, और एक टमाटर पका हुआ था, पहले वाला टमाटर जो है ना ख़त्म हो चुका है, यानी जो मैंने 10-15 पेड़ मेरे लगे हुए थे, काफ़ी टमाटर इस बार जो है हमने किचन गार्डन से खाया था। और जो मतलब कुछ दिन पहले जो हम लोगों ने बीज गिराया था ना, तो वो अब जो है निकला है, तो कहीं कहीं जो है मैंने उसमें से भी 10 गाछ यानी पेड़ लगाए हैं, और जो है एक आध अपने निकला हुआ था ना प्लांट, तो उसमें से ये टमाटर निकल रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग का यहीं एंड करूँगी, ढेर सारा प्यार इस ब्लॉग को भी दीजिएगा, और बताइएगा कि आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। कंटिन्यू जो है सब्जी वगैरह काट के मैं खाना बनाऊँगी, उसके बाद मेरा सारा काम ख़त्म हो जाएगा।